बनारस जो फेमस है अपने घाट, गंगा आरती, बनारसी साड़ी और अपने खाने के लिए। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे बनारसी खाने को और आपको वर्चुअली ले चलेंगे बनारस की कुछ बहुत ही फेमस फूड शॉप्स पर। अब लक्ष्मी चाय वाला। फेमस फूड शॉप्स में सबसे पहले नाम आता है लक्ष्मी चाय वाले का। ठठेरी बाजार के सामने की एक पतली सी गली में बनी ये शॉप अपनी चाय और बटर टोच के लिए पूरे बनारस में बहुत फेमस है। I don't usually drink tea, but यहाँ पर आया तो पीने बनती है। अलग से मसाला भी दिया। टाइम के बारे में आपको बता दूँ, सुबह 4 बजे खुल जाती है शॉप और रात 12 बजे खुल जाती है, बट मंडे टू सैटरडे। अगर आप संडे को आ रहे हो तो आपको सुबह 4 बजे से सिर्फ 12 बजे तक ही मिलेगी। इसलिए आज यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है। चाय टोस्ट भी खत्म हो चुका है, बट मक्खन टोस्ट भी बहुत बेटर था। 15 की चाय हुई नहीं बताना, चाय 15 की और 40 का मलाई डोस्ट है। मलाई डोस्ट 60 का है। वो संडे को नहीं मिलता क्या? सब खत्म हो जाता है। दादा बावड़ा होता है, हम लेट हो गए मतलब। चलो बने अगली बार मॉर्निंग में आएंगे, सुबह आइए 4 बजे तब मिले। 7 बजे 4 बजे अच्छा, सर्दियों में 365। अच्छा चलो ठीक है। संडे टू सैटरडे 12 बजे तक खुलता है ना? और संडे को? संडे को दोपहर में 1 बजे दोपहर 1 बजे तक। सोमवार को सुबह 4 बजे खुलेगा। 6 दिन लगातार। चलो थैंक यू भैया। चाय पीने के बाद हम गए खाने छोटी कचौड़ी विद चने की सब्जी, जो कि एक ट्रेडिशनल बनारसी स्नैक है जिसे सर्व किया जाता है चने की सब्जी मीठी और तीखी चटनी के साथ, और आप इसे बनारस में कहीं भी खा सकते हैं। बनारस की वर्ल्ड फेमस छोटी कचौड़ी। बहुत ही ऑथेंटिक टेस्ट है। मेरे पास इसमें चना डाला हुआ है, मीठी चटनी है, हरी चटनी है, तो स्वाद को और बढ़ा रही है। और छोटी कचौड़ी का तो क्या ही बोले। अरे चना कचौड़ी बड़ी यूनिक है, हमारे यहाँ नहीं मिलती, हमारे छोटी कचौड़ी मिलती है। कहाँ से आएंगे? कोने पे दुकान है, 25 रुपये प्लेट है और आज मस्त है, बहुत टेस्टी है। ठठेरी बाजार की ठकठक सुनते हुए हम गए ठठेरी बाजार की सकरी गलियों के अंदर बनी फेमस राम भंडार शॉप पर। ये शॉप सर्व करती है बनारस की फेमस बड़ी कचौड़ी, सब्जी और केसरी जलेबी, बट ये शॉप बंद थी क्योंकि संडे को बंद रहती है। दोपहर बंद रहती है और सुबह कितने बजे खुलती है? 7 से 11 तक। इसलिए फिर हम गए श्री सत्यनारायण स्वीट्स पर और हमने यहाँ टेस्ट की बनारस की फेमस बड़ी कचौड़ी और केसरी जलेबी। तो उमर का नाम है, पुराना सिंह काशी के, बहुत ही फेमस बड़ी कचौड़ी। दाल कचौड़ी के अंदर थोड़ा सी दाल जीरे के साथ, सब्जी में आलू है, जी पेन क्या है क्या भाई? सोयाबीन वाले चने, बहुत ही और चटनी भी मिली हुई है, बहुत ही टेस्टी है। ब्लू लस्सी शॉप बनारस में बहुत ही फेमस शॉप है
जो है कचौड़ी गली में। जी हाँ, ठठेरी बाज़ार की कचौड़ी फेमस है और कचौड़ी गली की लस्सी, ये कन्फ्यूजन ही बनारस की खासियत है। ये शॉप सर्व करती है 120 तरह की अलग अलग लस्सी, और अपनी लस्सी के अलावा ये फेमस है अपने इंटीरियर के लिए, जहाँ लोग अपनी एक फ़ोटो छिपा कर यादों का पिटोरा भरकर बनारस से ले जाते हैं। फाइनली 2 करोड़ साल बाद वेट करने के बाद हमारे पास हमारी लस्सी आ चुकी है। अपने मंगाई मैंगो फ्लेवर लस्सी, उसमें मैंगो का फ्लेवर एक्स्ट्रा डाला हुआ है, टेस्ट बताते हैं कैसी है। बहुत अच्छी, इसमें फ्लेवर नहीं डाला, थोड़ा मैंगो असली में डाला हुआ। 100 करोड़ देने के बाद हमें ये मिला और साथ में मिली है 90 रुपये की मैंगो लस्सी, फेमस ब्लू लस्सी ट्राई करने के बाद, मैंगो लस्सी जो 90 रुपये की पड़ी है। अलग अलग तरह की अलग अलग लस्सी हैं, 120 तरह की लस्सी है इनके पास अलग अलग रेट की, आ सकते हैं। बहुत टेस्टी भी है नो डाउट, थोड़ा सा कॉस्टली है बट ठीक है, जितनी फेमस है उस हिसाब से बेस्ट। कचौड़ी गली में पड़ती है ये गली चौक, डेफिनेटली मस्ट ट्राई। बनारसी ठंडाई का हर कोई दीवाना है, लेकिन हर शॉप पर वो स्वाद नहीं मिलता जो मिलता है मिश्राम्बू ठंडाई दुकान पर। अप्रॉक्स 100 साल पुरानी ये दुकान अपनी ओरिजिनलिटी के लिए मशहूर है। ठंडाई के अलावा यहाँ का लेमन सोडा भी बहुत फेमस है। और उसको लेते भी हम बताते हैं। हाँ बताओ क्या लेंगे आइए बेटे। ये मिश्राम्बू का केसरिया बादाम डालते हैं। हाँ तो मार्केट में मिलता है वो, है ना, मार्केट में मिलता है मिश्राम्बू की, ये रिटेल आउटलेट। अच्छा, यहाँ बनारस में या कहीं में मिल जाता है? होटल हर जगह मिल जाएगी हमको। अच्छा, रिटेल जो बना के हम लोग बेचते हैं मिश्राम्बू का, मिश्राम्बू की रिटेल आउटलेट है। ये शॉप 1924 में क्या, इसमें हम लोग डालते हैं ये ड्राई फ्रूट का पेस्ट है, इसमें बादाम काजू मखाना छोटे इलायची ये सब पड़ा रहता है, इसको ऐड करते हैं, साथ में मलाई ऐड करते हैं। अच्छा, जो भी डाले। हाँ, फिर मिश्राम्बू का मलाई थी रबड़ी थी, मलाई मलाई रबड़ी मिलती है, इससे क्या था टेस्ट और थोड़ा रिच आ जाता है, बढ़ जाता है पीने में। और इसमें ये टोटल 1 साल खराब नहीं है, 1 साल खराब नहीं है, ले जाना चाहते हैं फ्रिज में नहीं रखना है। अब इसको पी के आप बताइए कैसा लग रहा है। देसी बाटी चोखा, छोटी कचौड़ी की तरह दिखने वाली ये ट्रेडिशनल बनारसी स्ट्रीट फूड स्नैक है। सत्तू की फिलिंग से बनी ये बाटी सर्व की जाती है बनारसी स्टाइल, और सच में ये बहुत ही टेस्टी होती है। बनारस में आप इसे बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। ना डालो डालो जो डालो, क्या जो डालो, ये क्या चीज़ है, गोले पे का पानी, दही बड़ा, दही बड़ा, बीस रुपये प्लेट है। इतने सारे स्नैक्स और तीखा खाने के बाद अब बारी थी कुछ मीठा खाने की, और बनारसी मिठाई की सबसे ज़्यादा फेमस शॉप है श्री राजबंधु स्वीट्स। कचौड़ी गली में बनी यह शॉप 125 साल पुरानी है और पूरे बनारस में बहुत ही फेमस है। 100 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह की मिठाई इस शॉप पर आपको मिल जाती है। लौंग लाटा यहाँ की एक फेमस मिठाई है, जिसे हम भी अपने साथ लेके आए। बनारस की बीच गलियों में बसी श्री राज बंदूक 125 साल पुरानी दुकान है, और गली में होने के बावजूद इसकी भीड़ देखकर आप समझ गए होंगे कि कितनी टेस्टी है, कितनी फेमस दुकान है, और उसकी मिठाई कितनी टेस्टी होगी। हमने भी अपने लिए ले ली है मिठाई, आप भी यहाँ से ज़रूर लेके जाए।
और टेस्ट करके बताएं कैसी है, हम भी आपको बताएंगे कि वर्किट है कि नहीं, बट अभी तो फिलहाल मेमोरीज के लिए ले लिया। और एक चीज़ और, अगर यहाँ पर आओ तो कैश लेके आओ, जितनी पुरानी दुकान है आई थिंक उतना ही पुराना इनका अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक ये ऑनलाइन वाले कार्ड से पेमेंट नहीं लेते हैं, तो जब भी वहाँ पर कैश लेके आओ। काशी चाट भंडार बनारसी चाट के लिए बहुत फेमस शॉप है, और इस भीड़ को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये दुकान अपनी चाट के लिए कितनी फेमस है। बनारस की खास टमाटर चाट का स्वाद लेना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ की पालक पत्ता चाट, आलू टिक्की और दही बल्ले पापड़ी चाट भी बहुत फेमस है। ये हमारे पास काशी चाट भंडार की फेमस टमाटर चाट, अब इसको सुना तो बहुत इसके बारे में, आगे बताते कैसी है। सब्जी लग रही है टमाटर की, हम ले आए काशी चाट भंडार से, बताते कैसा है। बड़ा क्रंची है, बड़ा टेस्टी है, रिफ्रेशिंग भी है, बस भाई हो गया। बनारसी पान के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आप सब जानते हैं। बढ़िया था, मीठा था, पहली बार खा रहा हूँ, उस हिसाब से बनाना ठीक है। मैंने अब तक पान नहीं खाया कभी, सोचा था बनारस का पहली बार बनारसी पान ही खाऊंगा, देखते हैं कैसा होता है। मीठा पान कर, सुपारी सुपारी है तो लाल लाल तो नहीं हो जाएगा ना, लाल लाल नहीं करना। चेरी सुनाएगा, सुनाएगी आज ज़्यादा मिलना बहुत है। मीठा पान है ये अंकल जी, चला जाएगा तो बड़ा सारा चला जाएगा, जब दे दे खाने लेना ऐसे बना तो अगर आपको बनारसी खाना अच्छा लगा तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल।